एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह पीड़ित पिता के दुख दरे दर्द भरे आंसुओं को देखकर न रोक सके, खुद के कदमों को पीड़िता को उठाकर लगाया अपने सीने से। आरोपियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी में बीती रात बेरहमी से की हत्या, स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। पूरा मामला नगर शिकोहाबाद में स्थित मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। मध्यरात्रि नगर शिकोहाबाद में स्थित मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी में एक व्यक्ति की बेरहमी से कर दी गई हत्या। राम शंकर और शंकरलाल युवक रहते हैं। उन्होंने आधा मकान ई रिक्शा गैरेज ट्री के रूप में बना दिया है। आज रात्रि 10 बजे पड़ोसी ई रिक्शा चालक ई रिक्शा खड़ा करने आया। उसी दरवाजा खोलने गई राम शंकर बेटी रिंकी, उम्र 26 वर्ष, बेहोश हालत में मिली। उसके सिर में चोट के निशान थे। ये देखकर रामशंकर की चीख निकल गई। उनकी बेटी को रिंकू ट्री रिक्शा चालक मार गया। रिंकी सूचना पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिंकी को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवा दिया। इस घटना के चलते मृतका रिंकी के पिता को बुरी तरह से रोते हुए देख एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह काका पसीज गए। उन्होंने उठाकर रिंकी के पिता को लगाया अपने सीने से। आरोपियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। मेरा नाम रश्मि गुप्ता है, मैं जिला महामंत्री महिला मोर्चा से हूं। ये आपके मोहल्ले में किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ है वाकया? सर, ये यहाँ पर टिड्डी चलती हैं और एक बच्ची की यहाँ आज मृत्यु हो गई है। तो क्या लग रहा है, कैसे हुई होगी मौत? सर, अंदर से सारे लॉक थे, उनकी माँ घर पर नहीं थी और जब ये दुर्घटना हुई है तब इनके घर में कोई नहीं था, उनके फादर थे, ठीक है, और वो बच्ची बेहोश हालत में थी। जब तक उसको ट्रामा सेंटर ले जाया गया तब तक उसको मृत घोषित कर दिया डॉक्टर। नहीं, सुने रहे कि कोई टिड्डी वाला आता था, आए दिन यहाँ हंगामा होता था जी। यहाँ इनके यहाँ सर कुछ टिड्डियाँ हैं जो रेंट पर दे रखी हैं और यहाँ पर आए दिन वो लोग बदतमीजी, हंगामा, ये उनका रोज का था यहाँ सर गली में जी। तो क्या समझे, शुरुआती क्या हत्या या इंसिडेंस? सर, ये तो हत्या लग रही है। अंदर जो वारदात हुई है, जिस हिसाब से उस बच्ची की पाया गया है, ब्लड पड़ा हुआ है जी, ब्लड पड़ा हुआ है और सर पर उसके सर चोट है, बगल में ग्लास पड़ा हुआ है, ग्लास पड़ा हुआ था। ठीक, 26 साल की लड़की की हत्या या मृत हुई है, किस तरह का मामला है, प्राथमिक दृष्टि है पुलिस किस तरह का? शिकोहाबाद कस्बे में एक पंजाबी कॉलोनी है, वहाँ पर रिंकू प्रजापति नाम का व्यक्ति जो एक टिर्री चालक है, टिर्री चलाता है, रात्रि लगभग 10 बजे अपना टेरी लेकर आया और वहाँ वहीं पे उसका टेरी पार्क होता था, उसको उस टेरी को खड़ा करने को लेकर के पड़ोसी से विवाद हो गया और उसमें उसने एक 25 वर्षीय जूती के सर पे एक लोहे का कुछ इम्प्लीमेंट था उसको उठाकर उसने मार दिया और उनकी मौके पे मृत्यु हो गई और वहाँ से वो फरार हो चुका है। हम लोग, हमारी टीमें लगी हुई हैं, हमने तत्काल जानकारी के बाद मौके पर जा कर के जो शव था उसको हम लोगों ने मोर्चरी भिजवाया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, FIR पंजीकृत किया है और हमारी 4 टीमें लगी हैं, हम उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे और अग्रिम सारी घटनात्मक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।